हेलो एम आई, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ए एस सूल। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है BSCO। ये आपने ऐप तो सुना होगा, लेकिन इससे वीडियो एडिटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन इससे फ़ोटो भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही कलर ग्रेडिंग है, लाइट रूम जैसा ऐप है, इसका नाम भी है BSCO। तो आपको नहीं पता है कि ये डाउनलोड कैसा कैसे किया जाएगा और कैसे करना, तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी और ये पैड ऐप है, लेकिन इसका भी सलूशन है, वो दोनों वीडियो मैं आपको दे दूंगा आई बटन पर। और इस ऐप के बारे में बात करें तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कलर ग्रेडिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले हो जाए देर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं, ओपन करते हैं BSCO पर, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद हम फ़ोटो को इंपोर्ट मैंने कर लिया, जैसे कि आप भी इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट करने के बाद हम चलते हैं फ़िल्टर पर। और फ़िल्टर की बात करें तो इतने अमेजिंग फ़िल्टर हैं कि बहुत ही अमेजिंग फ़िल्टर, देखिए एक से एक बढ़ के फ़िल्टर है, बहुत ही बढ़िया फ़िल्टर हैं इसमें। वाओ क्या बात है भाई, फ़िल्टर लाइट रूम को इसने फेल कर रखा है बिल्कुल। वाओ अमेजिंग, देखिए एक से एक अच्छा फ़िल्टर है, देखिए अलग अलग करेक्टर में है फ़िल्टर, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। अब चलते हैं, देखिए इसमें हर प्रकार के एक्सपोजर भी होगा, एक्स और कॉन्ट्रेस्ट, देखिए इसको बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद देखिए शार्पिंग वगैरह सब कुछ है इसमें, यार क्या बात है। वाह देखिए किस तरह है, वाह अमेजिंग। वाह इसको घटाएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद हम चलते हैं कलर करेक्शन के बारे में। देखिए मेरा ग्रीन है, ग्रीन को मैं बढ़ाऊंगा, देखिए कितना बढ़िया फोटो बन गया, देखिए वाह। चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। और नीला, नीला को हम बढ़ाएंगे क्योंकि इस नीली पैंट है बंदे की, देखिए बढ़ गया, वाह कितना बढ़िया फोटो लग रहा है। इसमें हमें डाल सकते हैं इफेक्ट, फोल्डर डाल सकते हैं इसमें, वाह आप अपने जैसे रख लेना है हिसाब से। और चलते हैं बिगनेट की ओर, बिगनेट देखिए कैसे लगाते हैं। बिगनेट मैं हल्की से लगाऊंगा बिल्कुल, ताकि जैसा आपका फ़ोटो अच्छा लगे। और इसमें बैकग्राउंड के पीछे आप लगा सकते हैं बॉर्डर, बॉर्डर देखिए कलर लगा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। फ़िलहाल मैं तो इसमें कोई सा बैकग्राउंड में बॉर्डर नहीं लगाऊंगा, क्रॉप भी फ़ोटो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्रॉप नहीं करूंगा। वाह अलग अलग फीचर हैं आपको, पर मैं ये सब नहीं लगाऊंगा। वाह चलिए फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। यहाँ पर डाउनलोड का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे फ़ोटो हो जाएगा सेव।